तो देख के क्या लग रहा है आपको? बाकी चलिए मैं डिटेल में बता देता हूँ आपको। तो ये वाले जो पैकेजिंग आप देख रहे हो ना, फ्लिपकार्ट से मैंने ऑर्डर की थी। 2 किलो हैं ये, 1 किलो रसगुल्ले और 1 किलो गुलाब जामुन। बंसी राम करके कुछ कोई ब्रांड है गुजरात बेस्ड, उनका था। रेटिंग ठीक ठाक सी रेटिंग थी, बट सोचा कि उन्होंने ट्राई किया, दिवाली नज़दीक थी तो कुछ मिठाई भी चाहिए थी घर पे, तो सोचा ये भी एक्सप्लोर कर ली जाए और मैं आप लोगों को बता सकूँ कि कैसा कुछ एक्सपीरियंस रहा मेरा, ताकि आप करो या ना करो फिर आपकी कॉल बच जाए। बॉक्स पे लिखा हुआ है रसगुल्ला और इस पे लिखा हुआ है गुलाब जामुन। अभी तो खोल के पता लगेगा कौन सी साइड अप कौन सी डाउन, मतलब अभी कुछ नहीं दिख रहा है। चलिए ओपन कर लेते हैं। बाकी 200 रुपये की कॉस्ट में ना बिकानो या हल्दीराम वगैरह की भी 1 किलो वाली पैकिंग मिल जाती है, जिसमें आपको सेम काइंड ऑफ स्टफ़ कुछ मिलता है। तो बंसीलाल जी की भी देख लेते हैं हमें क्या कुछ ऑफ़र किया जा रहा है इस प्राइस में। तो चलिए ये लो जी, बॉक्स ओपन हो गए, उल्टे ही थे बेसिकली। और ये हैं रसगुल्ला और ये भी ओपन कर लेते हैं बॉक्स को। तो यहाँ पे रसगुल्ला जी ओपन हो, पहले गुलाब जामुन ओपन हुए थे। बॉक्स देख सकते हैं ऐसे कुछ है, थोड़े से टेढ़े मेढ़े हो गए हैं पैकेजिंग, क्योंकि जैसी थी उसी हिसाब से थोड़ा बहुत तो टेढ़ा मेढ़ा होना ही बनता था। और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ 430 ग्राम जो ड्रेन वेट है वो है, और 16 पीस इसमें आपको मिलेंगे। रसगुल्ला हो चाहे गुलाब जामुन, दोनों के 16 16 पीस मिल जाते हैं, तो ये यहाँ पे मेंशनड है। बाकी चलिए ओपन कर लेते हैं बॉक्स को, खोल के मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसा लगा टेस्ट जो है। ममता ने कटोरियाँ तैयार कर दी हैं अभी, तो इनको ओपन करते हैं। बॉक्स टेढ़े मेढ़े होने के कारण ना थोड़ा सा खोलने में तो दिक्कत आ रही थी। मतलब नॉर्मली जो बिकानो या हल्दीराम वगैरह की इनकी पैकेजिंग होती है थोड़ी सी, मतलब सॉलिड पैकेजिंग होती है। टीन, मतलब मैं ये नहीं कह रहा क्योंकि ये तो वैसे भी ख़राब ही हो जाने, कोई काम तो आना नहीं है। और एक्स्ट्रा ऊपर जो लिड आता है ना, एक प्लास्टिक वाला ढक्कन टाइप, वो भी नहीं है। तो अगर आपको निकाल के इसको ढकने के लिए ना कुछ और ही चीज़ को यूज़ करना पड़ेगा, तो अगर वो चीज़ ऐड की जा सकती थी, क्योंकि इतना भी मतलब नॉर्मली जो बिकानो या हल्दीराम से सस्ता नहीं था ये, 10 20 रुपये का फ़र्क था। एक प्लास्टिक वाली लिड लगी होती तो शायद इसको मेंटेन करना थोड़ा और आसान होता। अभी क्या होगा, किसी डब्बे में अलग से निकालना रखेगा या फिर वो कोई कटोरी वगैरह इसके ऊपर रखनी पड़ेगी। तो ये देखिए, ये ऐसे कुछ गुलाब जामुन दिखे और ऐसे कुछ रसगुल्ले जो स्पंज वाले नहीं थे। बाकी ममता आपको डिटेल में बताएगी। अगर इनकी प्राइसिंग की बात करें तो 379, मतलब 380 में दोनों के दोनों बॉक्स आ गए थे हमारे। 1 kg गुलाब जामुन है, 1 kg रसगुल्ला है, तो वैल्यू फॉर मनी भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर हम मार्केट में लेने जाएंगे तो हमें 400 रुपये में नॉर्मल जो गुलाब जामुन होती है वो मिलती है, छोटे वाली। बड़े अगर गुलाब जामुन लेते हैं तो वो पर पीस के हिसाब से मिलते हैं, अगर हम दिल्ली NCR की या सिटीज़ की बात करें तो। गाँव में ये वैल्यू फॉर मनी नहीं होगा, लेकिन यहाँ के लिए एकदम बेस्ट है ये। स्पंज रसगुल्ला नहीं है, जो नॉर्मल रसगुल्ला होता है वो वाला है। टेस्ट है वो ठीक ठाक है, लेकिन शायद ये जो पैकेजिंग वाले होते हैं इसमें ये कुछ इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए कुछ मिक्स करते हैं, तो हल्की सी थोड़ी कोई अजीब सी स्मेल सी आती है हल्की सी। तो रसगुल्ले मुझे ठीक ठाक लगे, नॉट बेस्ट बट फाइन, ओके। अब हम टेस्ट करेंगे गुलाब जामुन, माई फेवरेट। गुलाब जामुन एकदम मस्त है, धाकड़ है, एकदम ओके है। रसगुल्ले 10 में से 7 मार्क्स, गुलाब जामुन 9 मार्क्स। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, और अगर आप भी कोई रिकमेंड करते हैं कि हमें कुछ किसी और स्वीट बॉक्स की अनबॉक्सिंग करनी चाहिए तो कमेंट करना ना भूलें, और जुड़े रहिए हमारे साथ। और ट्राई कीजिएगा बिग बाज़ार या इजी डे वगैरह नियर बाई जो मार्केट है, वहाँ पर ऐसे कुछ आपको अच्छे ऑफर भी मिल सकते हैं, जहाँ 1 बाई 1 भी मिल जाएंगे ये वाले।